रिलीज होने वाला है और ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 3 का आखिरी मूवी है। तो फार फ्रॉम होम फेज 3 का आखिरी मूवी क्यों है, क्यों वो मूवी फेज 4 का शुरुआत क्यों नहीं है? केविन फाइजी को जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ बताया है, उन्हें क्या बताया है वही हम बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखे बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे आपको मिल सके नया वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, केविन फाइजी को जब पूछा गया कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम क्यों फेज 3 का आखिरी मूवी है तो उन्होंने बताया स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और एंड गेम मूवी ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों मूवी एक ही स्टोरी लाइन को शेयर करते हैं। एंड गेम मूवी में टोनी के डेथ के बाद पीटर के ऊपर से अपने मेंटर का हाथ हट गया था और दुनिया भी आयरन मैन को खो चुके थे। तो अब देखना था स्पाइडरमैन कैसे अपने मेंटर के बिना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से एक असली सुपर हीरो बन सके। टोनी हमेशा चाहता था पीटर उससे भी बड़ा सुपर हीरो बने। तो देखना यह है कि फार फ्रॉम होम में पीटर अपनी गोल को अचीव कर पाता है कि नहीं, वो अपने आप को आयरन मैन से भी बेहतर सुपर हीरो साबित कर पाएगा कि नहीं वही हम देख पाएंगे फार फ्रॉम होम में। और आयरन मैन के बिना एमसीयू कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएगा वो भी हम देखेंगे इस मूवी में। जिसके वजह से दोस्तों ये मूवी फेज 3 का आखिरी मूवी है और फेज 4 का शुरुआत नहीं है। तो दोस्तों मूवी 2 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है, आप सब जल्दी से जाके अपनी टिकट बुक कर लीजिए और सिनेमा हॉल में ही मूवी को एंजॉय कीजिए। कोई भी ऐसे ही लीक फुटेज मत देखिए जिससे आपका मूवी का एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। तो मैं कहूँगा आप सब हॉल में ही मूवी को एंजॉय कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं डेली इस तरह के वीडियो लाते रहता हूँ। तो दोस्तों आज चलता हूँ, फिर से आपके साथ मुलाकात होगी इसी तरह के एक वीडियो के साथ। टिल देन बाय।